जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपने ही YouTube चैनल पे स्वागत है। दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त राकेश वर्मा, आप देख रहे हैं अपना ही YouTube चैनल ऑनलाइन जॉब हेल्प। तो दोस्तों इस वीडियो का आप बात करने वाले हैं इंडियन नेवी के रिजल्ट की, SSR और AA का रिजल्ट है। SSR और AA का जो रिजल्ट है गाइज वो कब आने वाला है, तो 20 जून को आपका रिजल्ट आने वाला है। ऑफिशियल नोटिस में ये इंक्लूड किया गया है, तो यहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं 20 जून को आपका रिजल्ट आ जाएगा, यानी कल आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। और किस समय आएगा ये भी मतलब निश्चित नहीं होता है, लेकिन फिर भी इसमें पूरे डिटेल के साथ चर्चा करेंगे। दोस्तों जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें गाइस, ठीक। और जो चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो ताकि आपको मिलते रहे इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, आपके जितने भी डिफेंस के एग्जाम होते हैं गाइस, इसके प्रकार की हर प्रकार की NDA हुआ, इंडियन आर्मी हुआ, इस प्रकार की ऑफिशियल जो अपडेट होते हैं वो आपके पास आते रहते हैं। तो सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको नोटिस मिलता रहे, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें गाइस। तो दोस्तों सबसे पहली बात है कि कट ऑफ क्या रहेगी। कट ऑफ देखिएगा, कट ऑफ के बारे में बात करें तो मैं इससे पहले एक वीडियो बना चुका हूँ प्रॉपर, जो काफ़ी आपने देखा और आपका रिस्पॉन्स रहा उसके ऊपर मैंने देखा है, और आपने सही तरीके से उसमें देखा, ठीक है गाइज। तो कट ऑफ के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले AA की बात करें, AA का ऑल इंडिया लेवल पे कट ऑफ रहने वाला है, ठीक है। ऑल इंडिया पे रहेगा, इसमें कोई स्टेट का रोल नहीं होगा, कोई भी किसी स्टेट से बिलोंग करता हो, कितना भी बैकग्राउंड फेल हो उसका, ठीक है, इसमें कोई रोल अदा नहीं करेगा। ऑल इंडिया बेस पे जाएगी AA की कट ऑफ। तो 47 आपकी इसमें पासिंग मार्क रखा गया था, तो इसके बाद में आप जा सकते हैं, क्योंकि इसमें 500 ही वैकेंसी है टोटल। तो इसके हिसाब से आप देख सकते हैं गाइज कि कितने बच्चे उनको चाहिए। तो कट ऑफ तो निश्चित बढ़ेगी, लेकिन पता नहीं कितने भी बढ़ सकते हैं, 47 से 50 तक कहीं पर भी जा सकते हैं गाइज, ठीक है, ऐसा नहीं है, ठीक है, इसके बीच में भी रह सकते हैं, कम ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि उनको कितने कैंडिडेट चाहिए उसके हिसाब से वो लेंगे। और SSR की बात करें तो SSR की ऑल इंडिया नहीं रहेगी, यहाँ पे आपकी हर स्टेट वाइज रहेगी, मतलब प्रत्येक स्टेट की अलग अलग रहेगी गाइज, क्योंकि जो अलग अलग स्टेट की वाइज थी मैंने आपको बताया था, कम से कम मेरे पास 17 से 18 स्टेट का ही डाटा था, तो जैसे जिस स्टूडेंट ने शेयर किया तो हमारे पास मिला। तो दोस्तों उस वीडियो में मैंने आपको बता दिया था, सबसे ज़्यादा हरियाणा की गई थी, तो हरियाणा में काफ़ी कंपटीशन है, उसके बाद में राजस्थान का नंबर आता है, फिर ऐसे यूपी, दिल्ली, सब यहाँ पे ऐसे ही हैं, ठीक है गाइज। तो सभी का इस प्रकार से अलग अलग था, तो इसमें अलग अलग कट ऑफ रहेगी, किसी की 2 बढ़ेगी, किसी की 1 बढ़ेगी, किसी के पॉइंट में समथिंग बढ़ेगी, किसी की 3 भी बढ़ सकती है गाइज, ठीक है। तो इस प्रकार से अलग अलग बढ़ेगी, जिस पर ज़्यादा कंपटीशन है वहाँ पर ज़्यादा बढ़ेगी, और जिस जितनी वैकेंसी है उसके अकॉर्डिंग होता है गाइज, ठीक है। कट ऑफ कितने हिसाब से, कितने बच्चे वहाँ पे क्वालिफाइड किए गए हैं जिस स्टेट से मतलब चाहिए SSR के अंदर, और जितने बच्चे उनको लेने हैं उसके हिसाब से वो कट ऑफ को निर्धारित करेंगे। तो इसके बाद में बात करते हैं आपका जो रिजल्ट आने वाला है गाइज वो कब आएगा, देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है साफ साफ, आप देख सकते हैं गाइज, जो कि इसमें रिजल्ट जारी होगा। द मेरिट लिस्ट विल बी अवेलेबल ऑन वेबसाइट www.joinindiannavy.gov.in ऑन 20 जून 2019। यहाँ पे देख सकते हैं जो जी टॉपिक है गाइज, ठीक है, यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है 20 जून को आपके जो मेरिट लिस्ट है वो अपलोड हो जाएगी इंडियन नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट पे। लेकिन दोस्तों आपको उस सेक्शन में जाकर ही लॉगिन करना पड़ेगा, उसके बाद में आपको पता चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि पिछले साल से आपका लास्ट ईयर से ऑफ हो गया है रिजल्ट मेरिट लिस्ट आना, यहाँ पे डायरेक्ट ही आपको चेकअप करना पड़ेगा। तो आपको जैसे रिजल्ट आएगा तो हम अवगत करा देंगे गाइज। और जो बात करें कि आपकी इसके अंदर मैंने आपको बता दिया है, और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो गाइज आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और इसके बाद में बात करूं मैं आपकी, सबसे पहले बात ये रहेगी गाइज कि आपको कितने बजे आएगी। तो लास्ट ईयर जो क्या था इसमें नेवी की साइड में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है गाइज, टेक्निकल प्रॉब्लम की, ठीक है, क्योंकि अब रिजल्ट आएगा तो सभी बच्चे कल से ही सुबह से ही लग जाएंगे इसको लॉगिन करने की। लॉगिन करेंगे तो वहाँ पर ट्रैफिक ज़्यादा होगा, सर्वर डाउन हो जाएगा, और सर्वर डाउन होने की वजह से फेल भी हो सकता है। लास्ट ईयर फेल हो गया था उसकी वजह से उनको दोबारा सर्वर रेडी करना पड़ा, और उसके बाद में रिजल्ट शाम को कम से कम 7 से 8 बजे के आसपास आया था गाइस, ठीक है। तो इस बार उम्मीद करेंगे कि जल्दी रिजल्ट आएगा। दोस्तों जब से रिजल्ट नहीं आता है तो तब तक आप पहले लॉगिन नहीं करें, क्योंकि इंडियन नेवी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको वहां पे मिल जाएगा कि रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है या नहीं हुआ है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, यदि किसी भी प्रकार का आपको प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, आपको रिप्लाई मिल जाएगा, और जैसे ही आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा तुरंत उसके हिसाब से आपको मिल जाएगा वीडियो गाइज, ठीक है, उस पर कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। और गाइज सबसे पहले बात यह कहना चाहूँगा, जिस भी स्टूडेंट का कल आपका रिजल्ट आता है तो आप एक बात जरूर सुनना, जिस स्टेट के से आप बिलोंग करते हैं, क्योंकि AA का हमें पता चल जाएगा, SSR का अलग अलग जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना कि हमारे स्टेट की इतनी फाइनल कट ऑफ लगी है गाइज, ठीक है, कि और स्टूडेंट्स का भी हेल्प हो सके, क्योंकि साइट पे ट्रैफिक आने के बाद में रिजल्ट नहीं देख पाएंगे आधे से भी ज्यादा बच्चे। तो हम कल आपके साथ हैं, और आपके सभी को बेस्ट ऑफ लक, सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, सभी बच्चे सिलेक्टेड हो इसके अंदर, और ठीक है गाइज, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।
Yeah.